उपस्थित हमारे सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार में मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतृत्व, सम्मानित मंच और यहां इस विजय संकल्प रैली में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में हमारे तेलंगाना के सभी नौजवान साथी, सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, ये बताता है, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं जोश देख रहा हूं, ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत देर नहीं रहूंगा, मुझे मालूम है कि आप सब लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन मैंने तेलंगाना की बदलती तस्वीर देखी है। मैं विधानसभा के चुनाव में यहां चुनाव का प्रभारी था, उस समय का वातावरण भी मैंने देखा है और उसके बाद का भी मैं वातावरण देख रहा हूं। जगह जगह पर जिस तरीके से लोग केसीआर की सरकार से त्रस्त हैं, उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उनके सरकार के अनाचार से त्रस्त हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तेलंगाना की जनता जो बड़ी जागरूक जनता है, उसने तय कर लिया है कि केसीआर को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, इस बात को तय कर दिया। मित्रों, मैं यहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी आया था, उस समय पत्रकार बंधु कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य है और हमने कहा था कि हमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और हैदराबाद की जनता ने आशीर्वाद रखा था और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में आशीर्वाद आपने देकर के भारतीय जनता पार्टी का दबका बनाया था। लेकिन आप वहीं नहीं रुके, आपने दुबाका के चुनाव में जिस तरीके से रघुनंदन के माध्यम से धमाका कर दिया और एटला राजेंद्र के माध्यम से हुजूराबाद में हजूर को घेर दिया, गिरा दिया, ये बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आपने आशीर्वाद देना तय कर लिया है। सभी मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप नीलू की बात करते हो तो मैं यह जरूर कहूंगा कि पानी के बारे में चर्चा करते करते कालेश्वरम प्रोजेक्ट 32 हजार करोड़ से आज 1,32,000 करोड़ पहुंच गया, ये केसीआर का एटीएम बन गया, एटीएम बन गया, ये आपको समझना चाहिए। भ्रष्टाचार, अनाचार, केंद्र सरकार से पैसा लेकर के यह प्रदेश, जब हम फंड की बात करते हैं, जब आर्थिक दृष्टि से बात करते हैं, तो आज यह प्रदेश 4,00,000 करोड़ के घाटे में है और यह केसीआर की सरकार का नतीजा है। और जहां अगर मैं बात करूं रोजगार की,
तो केसीआर की तरफ से, केशव चंद्रशेखर राव की तरफ से लोगों को रोजगार मिल चुका है। लोगों को रोजगार कैसे मिल गया है? लोगों को रोजगार इस तरीके से मिल गया है क्योंकि उसके नाम पर रोजगार कहां थे, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके दो दो दामाद खुद ड्राइविंग सीट पर, कार फुल है, हाउस फुल हो चुका है, अब कार में जगह नहीं है, रोजगार फुल हो चुका है। ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ऐसी भ्रष्ट सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होगी। जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना को दिया है वो सही मायने में धरती पर नहीं लग रहा है। उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कीमों का बदला जा रहा है, और इसलिए समय आ गया है कि अब डबल इंजन की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी जी की सरकार चाहिए, तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहते हुए हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं, इस आशा के साथ कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।